डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ी तबाही देखी जा रही है। जो तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं, जो सैलाब के होने वाली तबाहकारियां नजर आ रही हैं, यकीनी तौर पे जो कुछ देखा जा रहा है, जो कुछ मंजरियाम पे आ रहा है, वो बहुत बहुत थोड़ा है, थोड़ी सी मकदार में नजर आ रहा है। हालांकि इस तबाही का असल तकमीना अगर लगाया जाए तो बहुत ही वसी रकबे पर फैली हुई नजर आती है। लाखों लोग इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, मजबूर हैं, बेयार मददगार हैं। उस वक्त ना कोई राशन है, ना कोई खाने पीने के सामान है, ना ही अद्वियात हैं, ना ही उनके पास खेमे। और इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, और जो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट है, ये बारिश का सिलसिला मजीद अगले 10 से 12 दिन तक जारी रहने के इम्कान मौजूद हैं। ऐसे में सियासी क्यादत कहाँ है, ऐसे में जो इदारे हैं वो कहाँ हैं, ऐसे में तमाम तर फलाही तंजीमें जिस अंदाज से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, क्या वो काफ़ी होगा? ये सारे सवालात यकीन तौर पर जेर गौर आएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर ये जो सूरत हाल हुई है, इसके साथ जो बड़े शहरों की बात करें, उनका रुख करें, तो वहाँ भी जो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। इस तबाही के पीछे जिम्मेदार कौन है, और ये तबाही के जो मनाजिर आज देखे जा रहे हैं, इससे कब बाहर निकला जा सकता है? ये सारे सवाल आपके जवाब लेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर साहबी तजिया कार हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं और कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में जनाब अशरफ जब्बार कुरैशी साहब को भी शामिल कर सकें। पीटीए के फाउंडर मेंबर है, वो भी हमारे साथ कुछ देर में प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। लेकिन जहांगीर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। जी, आपने काफ़ी अरसे तक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, बड़ा सहाफत में वसी तजुर्बा रखते हैं, हमारे लिए आप उस्ताद की हैसियत भी रखते हैं। लेकिन सर, ये बताएं कि जो तबाही के मनाजिर आज देखे जा रहे हैं, माजी में ऐसे मनाजिर देखे नहीं गए। जी बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि इससे भी आगे आप जाएं तो सन 1960 की कुछ बात है कि एक बारिश हुई थी, बड़ी हेवी रेन थी, उसमें तबाही हुई थी। लेकिन उसकी तबाही का रेशो अगर एज कंपेयर टू दिस, तो वो 15 से 20% भी नहीं। अब अंदाज़ा लगाइए इसकी शिद्दत का। और चूंकि नया नया पाकिस्तान बना था, वो तबाही बहुत मानी जाती थी कि लोग तो पहले ही इस्टेब्लिश नहीं थे, पहले उनके पास मकानात नहीं थे, हिजरत करके लोग आए थे, झोपड़ियों में रहते थे, और झोपड़ियों भी मिसमार ख़त्म हो गई। अब यहाँ की जो बात है कि ये वाली तबाही है, इसमें एक अलमिया है। बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि भाई चीज़ें गिर गई हैं, लेकिन मसला ये है कि इंसान का ज़मीर सोता हुआ नज़र आ रहा है। आप यकीन जाने सर्वे करें, जिसे अभी आपने हवाला किया कि ग्राउंड रिपोर्टिंग का तकाजा ये है कि आप ये देखें कि ये जो खेमे लगे हुए हैं और जो है एहतियात ले रहे हैं, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इनकी चेक और बैलेंस क्या है, ये बरसाती मेंढक की तरह कैसे नमूदार हो जाते हैं, और ये जाते कहाँ हैं, और वो कुछ चीज़ आती नहीं है। तो दर अलमिया ये है कि जो लोग जमा कर रहे हैं वो इस काम के लिए बने नहीं है, वो लूट मार के लिए बने हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इनफैक्ट आज सुबह जब मैं अपने दफ्तर की तरफ आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक सियासी जमात का कैंप लगा है, जो रात गए लगाया गया होगा। और जो कैंप लगाने के लिए, जो कराची में आपको होता तो सड़कें बची कुछ ही हैं, उन सड़कों पर भी बड़ी बड़ी कीले गाड़ के, उनमें सुराख करके, उनको खराब करके वो कैंप लगाया। और जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने जब पता किया कि ये कैंप की मुद्दत कितने दिनों की है, तो गालिबन 1 से 2 दिन तक, ताकि अलामती तौर पे इस बात का इजहार किया जा सके कि हमारी सियासी जमात इस वक्त कारे खैर में हिस्सा ले रही है। भाई उसको तो रिकॉर्ड पे ना, ऑन रिकॉर्ड वो दिखा रहे हैं, पिक्चर्स उसको चलेंगी, ये सब तमाशा है ना। अभी इस्लाम की हमारी रूह ये है कि एक हाथ से अगर आप खैरात जक़ात या कोई नेक काम करते तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। यहाँ तो पूरे मीडिया को खबर होती है, तस्वीरें तमाशे बन रहे होते हैं, बाकायदा वीडियोस बनाई जा रही हैं जहांगीर साहब। और ये यकीन तौर पे उस वक्त जो इत्तला आ रही है वहाँ पे मुतासरीन की जानिब से, कि अगर आप हमें इमदाद दे रहे हैं तो बिल्कुल दें, लेकिन उनकी गैरत मजरूह ना करें। सर, वो बेचारे फैमिलीज के साथ बैठे हैं, लेकिन इमदाद देने वाली तस्वीर ज़्यादा बना रहे हैं, वीडियोज ज़्यादा बना रहे हैं। सर, ये तो फिर फैमिलीज का मामला है। देखेंगे अजाब जो नाजिल होते हैं, अगर कहा जाता है ये कि अजाब बिला वजह नाजिल नहीं होते हैं, जब गरीबों का इस्तेहसाल हो, बुरी तरह पिसे उनका हक, तो उनको खुदा एक खाने में डाल देता है, फिर इनका नंबर होता है। अब मज़े की बात ये है कि एक बात बता रहे हैं, हर अरबपति खरबपति एक नारा लगा रहा है कि भाई इमदाद दी जाए।
अभी जितने असेंबली के हैं इतने बड़े बड़े जो है वो उन पर इल्ज़ाम हैं कि वो वोट खरीदने के लिए या सीटें खरीदने के लिए अरबों रुपए लगाते हैं, तो वो अब भी यही कह रहे हैं कि गरीब से कह रहे हैं कि तुम दो, वो कहते हैं तुम दो, अब तुम की रट है, दे कोई नहीं रहा और गरीब को ही दे रहा है। और जंग साहब पिछले दिनों के मनाजिर बड़े इंटरेस्टिंग थे, हमने लोगों को दिखाए भी थे कि किस तरीके से जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिंध के दौरे पे आए, उन्होंने वहां पे आवाम से मुलाकात भी की, तो मैं तो देख रहा था उन लोगों की हसद भरी निगाहें जो ये शानदार प्रोटोकॉल्स देख के, ये हेलीकॉप्टर देख के, ये खसूसी तैयारें देख के आशश कर रहे होंगे। एक जानब लोगों के पास खाने को नहीं, तन ढांकने को कपड़ा नहीं, सर के ऊपर छत नहीं सर, और यहाँ पे बड़े बड़े प्रोटोकॉल, शानदार प्रोटोकॉल नजर आ रहे हैं, सर ये दोहरा मयार नहीं है तो क्या हुआ? फिर उस प्रोटोकॉल के साथ तस्वीर बना के हमारे मौजूद वज़रा की जो फौज है, जो हमारे सियासी लीडरान की फौज है, कि हम चाहते हैं कि आलमी कुवतें हमारे साथ दें, आलमी इदारे हमें बेल आउट पैकेज दें, हमें इमदाद दें, सर ये कौन सी इमदाद का तकाजा है सर? मजे की बात ये देखें कि आप इसके साथ दोहरा मयार नहीं लगाए, ये मयार तो है ही नहीं, इनका गिरावट यही मयार है नहीं, ये मयार फिर भी कोई मयार होता है ना, कहीं जाके तो रुकता है, ये तो जो है ना तहतुसरा जैसे कहते ना दलदल से नीचे, कोई मयार नहीं है सर जी। और ये देखें वजीर आजम पाकिस्तान है, पहले तो ये जूते उते भिगोए भी लेते थे, समझे ना भाई, कि भी चले आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लीडर आ रहे हैं, अब तो लीडर नज़र नहीं आ रहे हैं, वजीर आजम की मजबूरी है वो नज़र आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर कहीं और इस्तेमाल होना चाहिए था, हेलीकॉप्टर की कितनी ज़रूरत है आपको आप, लेकिन ये क्या कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो खिड़की से देख रहे हैं, इसलिए कि उनका देखना बहुत ज़रूरी है, उनको तस्वीरें भी खिंचानी है, उनकी हमदर्दी भी जतानी है, उनके बूढ़े और बच्चे के सर पे हाथ भी फेरने हैं, तसल्ली भी देना है, अपने आप को बड़ा लीडर भी साबित करना है, ये एक लीडर की बात नहीं हो रही, जिस जमात के लीडर को देखो यही खेल खेल रहा है और खुदा देख रहा है। और जाके साहब अफसोस की बात है कि उस गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने मनाज़िर दिखाए भी थे कि 50-50 चुके लोगों को देख के वीडियोज बनाई जा रही हैं, वहाँ पे इस रकम के लिए बेचारी बूढ़ी औरतें, बच्चे, माएँ, बहनें, बुजुर्ग, जवान, सर उनकी किस तरीके से इज्जत को मजरूह किया जा रहा है सर। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, एक इदारा, एक या दो इदारे या चार इदारे, उनको मुख्तस किया जाना चाहिए सर इमदादी कामों के लिए। मुनीर मेहमान, अब जो कहते ना हादसे से बढ़ के सानिहा ये हुआ कि वो 50 रुपये बांट रहे थे, लेकिन जो उनके जो गुलाम थे वो उस पर तालियां भी बजा रहे थे, वह अशश भी कर रहे थे कि आपने इतना हम पर एहसान किया, ये जहनी गुलामी का नतीजा है, इन्होंने बनाया था, इन्हीं इसीलिए बनाया था ये 50 रुपये, क्योंकि इनको मालूम है कि ये जिन्हें सरताबी कर ही नहीं सकते, सर उठा ही नहीं सकते, ये दिखाता है कुदरत, आप खुली आंखों से देखें, आप देखें आप मशरकी पाकिस्तान जब टूट रहा था एक साल पहले, वहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसने तबाही मचा दी थी, उसमें इतनी नफ़रतें बढ़ गई थी जिसके नतीजे में आप कुछ भी नहीं कर सके और जो तबाही वहाँ मची है, लेकिन आप यहाँ सबक कुछ नहीं है, मुल्क आधा घर जा चुका है, उसके अभी तारीख के हवाले से हर एक को ये कहता है कि ये था वो था, लेकिन आप देखिए कि आज बलूचिस्तान की तबाही, सिंध की तबाही, अब पंजाब में भी वो पानी घुस गया है, अब आप पाकिस्तान है ये, 3 करोड़ लोगों के घर छिन गए हैं, हजारों लोग मर चुके हैं, आप अभी भी आप उनको देखें, आप उनके कपड़े तो देखें, उनकी वेस्टकोट देखें, जब वो छोटे छोटे बोने बोने लीडर आते हैं और ऐसे हशाज बशाज जैसे किसी पार्लर से होकर आए, और क्या मनाजिर है कि एक जानब शानदार कपड़े, शानदार जूते, शानदार गाड़ियां, किस्म की गाड़ियां, शानदार और शायाने शानदार प्रोटोकॉल, और दूसरी जानब माजत के साथ जो मनाजिर है, अफसोस की बात है कि इस वक्त वहां पे लोगों के पास तन ढांकने के लिए कपड़े तक नहीं है, थैलियों में एक दूसरे का सर ढाका जा रहा है, चारपाइयों के नीचे पनाहें ली जा रही हैं, सर पे छुपाने के लिए कोई छत नहीं, कोई कोई आसरा नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दीवार नहीं,
कोई पुरसाने हाल नहीं। लोग अपने आज भी मकानों की छतों पे मौजूद हैं, लोग आज भी ऊंची जगहों पे ऊंचे मकामात पे मौजूद हैं, और महज कोशिश इस बात की है, दुआ इस बात की है कि किसी तरीके से कोई आए और उस वक्त 2 या 4 घंटे मजीद जिंदगी गुजारने के लिए पानी की चंद बूंदे, खाने को कुछ अनाज उनको मुहैया कर दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हमारे यहाँ इस वक्त शहरों में आप महज तरपाल की अगर बात कर लें, जो कि इस वक्त शदीद ज़रूरत है वहाँ पे, जिसके बगैर अभी वहाँ पे सोचा भी नहीं जा सकता कि उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, वो आज 1 या 2 NGOs ने या कुछ लोगों ने मुकम्मल तौर पे मार्केट से खरीद ली है, और जो तरपाल 4 या 5 हज़ार रुपये की थी वो आज 12 हज़ार रुपये की है, जो खेमे 3 हज़ार रुपये की थी वो आज 16 हज़ार रुपये के खेमे हो चुके हैं, रस्सियां जो खेमों के साथ बनती उन तक की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, बिस्किट्स जो वहां पे इसको पहुंचाना चाहिए, जो जरूरत है कि क्योंकि वहां पे अनाज नहीं पहुंचाया जा सकता तो कम से कम बिस्किट पहुंचा दिए जाएं, वो बिस्किट आज यकीन करें कि वो पहुंचाना मुश्किल हो गया है। बड़े सारे मामले आते हैं, लोगों ने अपना पुराना स्टॉक इस चक्कर में निकाल दिया कि किसी तरीके से ये बिक जाए। ये अगर हमारी कौम का मेयार होगा, ये हमारी इंसानियत होगी, तो हम क्या पाकिस्तानी क्या मुसलमान कहलाने के हकदार होंगे या नहीं। और फिर बात करेंगे जरा शहरी आबादी की, ये जो कुछ हो रहा है यकीन तौर पर हमारे इलाके वहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए शहरों से लोग जा रहे हैं, शहरों से सामान जा रहा है, लेकिन शहरों के हालात भी कोई अच्छे नहीं है। इस तबाही का आखिर जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद आज आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।